दोस्तों, नागा साधु किसी से भी बहुत कम बात करते हैं, इसलिए उनकी दुनिया बहुत ही रहस्यमयी होती है। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधु भी होती है, और इन महिला नागा साधुओं को भी पुरुष की तरह ही कई कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। इसी वजह से इन महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुष नागा साधुओं से भी ज्यादा कठिन होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या महिला नागा साधु पुरुष नागा साधु की तरह ही निर्वस्त्र होती है, और आखिर कोई महिला कैसे नागा साधु बनती है, और इन महिला नागा साधुओं का जीवन आखिर कैसा होता है, ये दिन भर क्या करती है। तो इसलिए इनके बारे में हर हैरान कर देने वाली बात आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बस ऐसे ही आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नागा आखिर किसे कहा जाता है। दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़े में नागा साधुओं के रहने की ये परंपरा शुरू की थी, जो कि हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं और ये अक्सर बदन पर धुनी की राख, माथे पर तिलक और लंबी लंबी जटाएं लिए घूमते नजर आते हैं। ये हर तरह की युद्धकला में निपुण होते हैं और उनके चिन्ह त्रिशूल, शंख और चिलम वगैरह होते हैं, और इन्हें ही नागा साधु कहा जाता है। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये सिर्फ आपको कुंभ और महाकुंभ जैसे जगहों पर ही मिलेंगे। अब आपको बता दें कि महिला नागा साधुओं का जीवन कई रहस्यों से भरा होता है, और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना भी भिक्षा मांग कर लाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें 7 घरों में भिक्षा लेने का अधिकार होता है, और अगर 7 घर से कुछ ना मिले तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। अब जो महिला नागा साधु होती है वो पूरा दिन साधना करती है, और इसके लिए इसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। उसके बाद ये स्नान करके भगवान शिव की पूजा में लग जाती है। दोस्तों, नागा साधुओं के इष्ट देव भगवान शिव होते हैं, इसी वजह से उनका रहन सहन भी बिल्कुल उनके जैसा होता है। गर्मी, सर्दी या कोई भी मौसम क्यों ना हो, नागा साधुओं का जीवन बिल्कुल लेक जैसा रहता है। ये अग्नि के सामने बैठकर शिव की आराधना करते हैं, और कहा जाता है कि कई नागा साधु नशे में धुत भी रहते हैं। और दोस्तों, एक महिला का नागा साधु बनना बहुत ही कठिन काम होता है, इसीलिए इन्हें एक कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है। इन्हें अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित करना होता है, और महिला नागा साधु बनने के लिए इन्हें पूरी तरह से अपने सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है। अगर कोई महिला ऐसा कर पाती है तब जाकर उनके गुरु उनको नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं, और साथ ही इनकी पिछली जिंदगी के बारे में पता किया जाता है कि वो महिला भगवान के प्रति कितनी समर्पित है। नागा साधु बनने से पहले महिला साधु को अपना पिंडदान करना होता है और पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ना होता है। अब महिला नागा साधु बनने के दौरान महिला को पहले अपने बाल छिलवाने होते हैं, इसके बाद वो नदी में पवित्र स्नान करती है, और ये उनके साधारण महिला से नागा साधु बनने की प्रक्रिया होती है। दोस्तों, साधुओं में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। ये अखाड़े पुरुष साधुओं को सार्वजनिक तौर पर निर्वस्त्र होने की अनुमति देते हैं, लेकिन महिला साधु ऐसा नहीं कर सकती। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र नागा साधु होते हैं। पुरुष नागा साधु दिगंबर श्रेणी में आते हैं, और वहीं महिला नागा साधु वस्त्रधारी श्रेणी में आते हैं। तो इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती है तो उन्हें वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है, और महिला सन्यासिनी अपने शरीर में केवल एक ही वस्त्र धारण करती है, जिसे गंती कहा जाता है। और आपको बताएं कि ये गंती पीले रंग की होती है, और ये कपड़ा बिना सिला हुआ होता है। जब इन महिलाओं को नागा की दीक्षा प्राप्त हो जाती है तो सभी महिला सन्यासिनों को कुंभ के दौरान शाही स्नान करना पड़ता है, और इन्हें शाही स्नान करते समय नग्न अवस्था में रहने की इजाजत नहीं होती है। इसी वजह से इन्हें पीला वस्त्र धारण करके ही स्नान करना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद उन्हें कठिन साधना करनी होती है, और इसके अलावा महिला नागा साधु पुरुष नागा साधु की तरह धुनी की राख, मालाएं, तिलक धारण करती है, और साथ ही लंबी लंबी जटाएं भी रखती है। पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधुओं को शहर और बस्ती से दूर अपने लिए रहने का स्थान खोजना पड़ता है, और महिला नागा साधु बहुत ही दुर्लभ मौके पर ही नजर आती है, क्योंकि ये आम जनजीवन से बहुत दूर घने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में ही रहती है, और सुबह उठकर नदी में स्नान करने के बाद रात के सोने तक भगवान शिव की आराधना में पूरी तरह समर्पित रहती है। आमतौर पर महिला नागा साधु केवल कुंभ या महाकुंभ में ही नजर आती है, और फिर अचानक से गायब भी हो जाती है। हालांकि पुरुष नागा साधु भी ऐसे ही मौकों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, इनके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि संसार से दूर पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले नागा साधुओं को आखिर कुंभ और महाकुंभ कैसे पता चलता है, और अचानक से कैसे रहस्यमय तरीके से हजारों की संख्या में वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि बिना किसी संचार साधन के ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है
कि नागा साधुओं के पास ऐसी विद्या होती है जिससे उनको अखाड़ों द्वारा भेजे गए संदेशों का पता चल जाता है और जिसकी वजह से ही वो समय पर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और कुंभ खत्म होने के बाद किसी को भी पता नहीं चलता कि ये कहां चले जाते हैं। और दोस्तों, आपको ये पता नहीं होगा कि महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया इतनी कठिन होने के बावजूद भी खासकर यूरोप और दूसरे विदेशी देशों की महिलाएं भी इसे अपना रही है और वो इस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद नागा साधु भी बन रही है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, तो इसके बारे में अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली एक और नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।